अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है? और अभी और ये अब हम जा रहे हैं अड्डे पे टिकट्स लेने और अभी चलते हैं। हाँ भाई सिकंदर याद, कहाँ जा रहे हैं? क्या करने? अड्डे पे भी खाने जा रहे हैं? हम तो जा रहे हैं वहाँ पे टिकट्स लेने, टिकट्स लेने जा रहे हैं हम तो। वो कोई मेहमान आए उनकी टिकट्स लेने जा रहे हैं। आपने जाना है या रहना घर? जाना है। चले तालब साहब जी, आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं। आज रात काफ़ी हो चुकी है। मैं तालब हुसैन और सिकंदर याद हम जा रहे हैं अपना न्यू अड्डे पे। वहाँ पर हम जाएंगे फैसल मूवर्स अड्डे पे, वहाँ पे जाकर हमने लेनी है लाहौर की टिकट्स। वो थोड़ा सा व्यू हम आपको दिखाएंगे रास्ते में, तो अभी हम निकले चले। चलो ये जी हम पहुँच चुके हैं अड्डे पे, नया डाक ये बड़ा एक टर्मिनल है आप देख सकते हैं। और ये देखें आप बाहर इन्होंने गाड़ियाँ लगाई हुई हैं अपना सड़कों के ऊपर, ये देखें। और ये सामने फैसल मूवर्स का अड्डा है, यहाँ हमने जाना है फैसल मूवर्स के अड्डे पे। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से जाकर हमें टिकट लेनी है। अभी रश काफ़ी है यहाँ पे भी। सिकंदर यार मेरे साथ है, देखे कैसे खुश है यहाँ पे। बसें पहली दफा देखी है इसने। अस्सलाम वालेकुम चाचू। लेकर तो टिकटें बहुत महंगी है, वो भी मैंने आपके साथ अभी शेयर की थी। तकरीबन सादिकाबाद से लाहौर का जो सफ़र है वो तकरीबन है 600 किलोमीटर के करीब। नहीं नहीं सर, 600 किलोमीटर है। तो आम जो एसी कोचेज जो हैं हमारी, जो बड़ाच या दूसरी तीसरी मंडा वगैरह, उनका किराया जो है वो है 2200 से 2500। और फैसल मूवर का जो अपना एग्जेक्टिव कोच है जिसके 2x2 सीटें होती हैं, 2 एक साइड पर 2 एक साइड पर, तो उसको एग्जेक्टिव बोलते हैं जी। एग्जेक्टिव का जो है वो किराया 2750 रुपये। और जो बिजनेस क्लास है वो एक साइड पर एक सीट होती है और एक साइड पर 2 सीटें होती हैं, 2x1। वो फ्रंट वाली 9 सीटें जो होती हैं ना, वो सिर्फ एक साइड पर 2 होती हैं और एक साइड पर 1, उसको वो बिजनेस क्लास कहते हैं। वो हमें मिली है सादिकाबाद से लाहौर का 3550 रुपये की एक टिकट। तो ये मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने मुझे ये बताना है कि ये जो इतना ज़्यादा किराया है ये ठीक है, इतना किराया होना चाहिए बिजनेस क्लास का या नहीं? और अगर ट्रेन में सफ़र करें बिजनेस क्लास में तो वो कितना किराया होना चाहिए, ये आप दोस्तों ने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है भाई? हाँ जी बिल्कुल। तो अभी मेरे साथ है मेरा भतीजा सिकंदर याद सीमा और तालब हुसैन जी। अभी ये काफ़ी जिद कर रहे थे तो मैं इनको साथ लेकर आया था, घंटा डेढ़ हो गया हम घूम रहे थे। तो अभी हमारा प्रोग्राम बना दोस्तों का कि हम जाएंगे मिस्टर चिकन में, वहाँ पर खाना खाएंगे और गपशप करेंगे। अभी हम ये ओवरब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, ये मेरा दोस्त मेरे साथ है, तो अभी हम चलते हैं वहाँ पर जाके गपशप भी करते हैं और आपको जो वो बना कर दिखाएंगे, वो जो ऐसे तैयार होता है वो भी दिखाएंगे थोड़ा थोड़ा, और गपशप करेंगे वो तालब हुसैन और सिकंदर याद जो इन्जॉय करें, ठीक है जी? जी बेटा आप चला रहे हो, मुझे पता ही नहीं यार आप बाइक चला रहे हो। वाह जी वाह, बाइक चला रहा है मेरा यार। चलो जी मेहरबानी आपकी यार, आप बाइक चला रहे हो, हमें ख्याल करिए से ना पहुँचा देना, ठीक है? ओके मजा आ रहा है। हाँ भाई गर्म है, ख्याल से खाना है। पानी भी बाकी दोस्त भी आ चुके हैं, अब्दुल्ला नान, चिट्टा भाई, शोजो भाई, राणा साहब, यासर भाई, और अभी हमने ऑर्डर दिया है, इनको भूख लगी हुई थी, ये खा रहे हैं खाना, ये रहता भी है बेटा साथ, ठीक है? लास्ट पार्ट कर लो। राणा साहब भुख लगी, इन्हों का बीपी जो लो हो लग पाया देखो, तो बाकी दो दोस्त और आ गए हैं, अजीत भाई और उस्मान भाई, यासर भाई हाथों के आ गए हैं, खाना तो लेके आ चुके हैं। राणा साहब को बर्दाश्त नहीं हो रहा,
कितने पंचर लगे उस्मान? एक। विलाग का दूसरा रोज स्टार्ट हो चुका है और शाम के 6 बज चुके हैं। मेहमान आ रहे हैं जिनके लिए कल मैं फैशन मोर्स पे गया था टिकटें लेने, तो अभी उनके लिए लेने जा रहा हूँ सामान पकाने के लिए घर। तो अभी मैंने अपना बाइक निकालने लगा हूँ और अपना गर्मी अभी भी काफ़ी है तो टाइम ये देखें बाइक निकालने लगा हूँ, सोलर चल रहा है और मैं जा रहा हूँ उनके लिए सामान लेने, सामान वगैरह मुर्गी वगैरह चावल वगैरह लेते हैं। उसके बाद कुछ पैसे हैं, एक दोस्त है हनान मोबाइल से आप उसको देने हैं, वो दे के सामान ले के फिर जा रखते हैं। ये जी हम मेहमान आ चुके हैं, उन्होंने खाना खा लिया, अभी बबलू भाई जो है वो उनका सामान रख रहे हैं। पुत्र इतने नहीं आना है, डिग्गी बंद नहीं होनी, इनू रख के सीट दे इतने, हाँ हाँ इनू रख दे पीछे। नूर भाई का सामान रख रहे हैं, आ गया दूसरा रख अंदर, ये भी इधर आ रहे चल पीछे, चलो बंद करो उस पासे रख, हाँ चलो चौके अंदर आ दे ये इतने, शाबाश इधर नुक्कर च रख, हाँ चलो। ये जी नूर भाई की बेटी है माशाल्लाह ईमान फातिमा, नूर भाई आ चुके हैं, खाना खा लिया है और अभी हम निकलने लगे हैं, टाइम हो गया है 9:15 बस जानी है। ईमान फातिमा, ईमान अलहसन तुम्हें देख रही है, बैठी करो, अच्छी लगती है सिकंदर तुम्हें, बैठी की नहीं तुमने, करो तो करो, ओए ओए शर्मा आ गई, शर्मा आ गई, देख दी भैया क्या बात है, ओए क्या बात है, हाँ सानू रख लिए रख लो, नूर भाई जी आए सन मेहमान साढ़े, बड़े प्यारे मेहमान, टाइम इन्होंने बहुत थोड़ा जहा दिता, कलील टाइम दिता, तो हम अस छन जा रहे इन्होंने फैसल नगर अड्डे से, इन्होंने 9:15 की अपना रवानगी है, हूँ असं जावे कैफे सजावल, उतों इन्होंने कुछ समान लैना है दूसरी शॉप से, तो इंशाल्लाह जी नूर भाई के पास मैंने जाना है कश्मीर, नूर भाई ने जो घर बनाया ना कश्मीर शहर में वो आपको दिखाएंगे और बाकी हाल वाल अभी करते हैं, कैफे से जावल जाएंगे, वहाँ से इन्होंने कुछ सामान लेना तो लेकर फिर हम पहुँचेंगे फैसल मोर पे। और मेरे साथ मेरे दोनों भतीजे जो हैं वो भी माशाल्लाह बैठे हुए हैं, वो बहुत खुश हैं वो छोटी को देख के ईमान फातिमा को, और तारे हुसैन जो है ना वो ज़्यादा कह रहा है कि मुझे बहुत पसंद है तो जो है ना इसको रख लेते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी बेटी है जी, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। बाकी रास्ते में आपको दिखाते हैं थोड़े से मनाजर और फिर फैसल मोर जो आपको मैंने बताया था कि बिजनेस क्लास है वो भी आपको दिखाते हैं। ये जी इनकी नई ब्रांच है कैफे सजावल वालों की, ये देखें ये है सादक क्लब रोड पर, तो नूर भाई और मैं यहाँ पे जा रहे हैं अंदर, यहाँ से लेंगे कुछ सामान, ये देखें नूर भाई दे रहे हैं कुछ, क्या लेना है आपने, सोनल वाल अखरोटी लेना, हाँ अखरोटी मैंने कहा होगा, सोनल वाले का बोला उन्होंने, चलो पता कर लेंगे
क्वालिटी है, ये देखें बहुत प्यारी इन्होंने बनाई है। आज मेरा पहला दिन है, पहला विजिट है। ये देखें जी, देसी घी भी रखा हुआ है इन्होंने, भिंडियाँ भी रखी हुई हैं और मिठाई सब किस्म की है। नूर भाई खड़े हैं, पूछ रहे हैं फोन करके कौन सी मिठाई लेनी है। हम पहुंच चुके हैं जी अड्डे पे फैसल मोड़ के, अभी हम जा रहे हैं बस में सामान रखने। और हाँ भाई आ जाओ। चलो अंदर चलो, जाओ अंदर। इन्होंने जी बस देखनी, इन्होंने जान दो अंदर जी। है जी एग्जैक्ट बिजनेस क्लास, एक साइड पर दो सीटें और एक साइड पर एक सीट है। और ये पीछे जो है ये अपना एग्जैक्टिव है, दो एक साइड पर है, दो एक साइड पर है। आलम सैन और सिकंदर वो घूम रहे हैं इसके अंदर। ये दो सीटें हैं आप देख सकते हैं, सोफा सीट है और इनके साथ ये देखिए एलसीडी वगैरह लगी हुई है। आ जाओ गाड़ी जाने वाली, आ जाओ आपको भी सफर करवाते हैं जल्दी। आ जाओ आ जाओ, रिंगर चलेंगे इस पर, ठीक है आ जाओ। कितने पैसे दिए हैं नूर ने? नूर अंकल ने दो नोट दिए, आपको भी दो नोट दिए, आपका तो मजे हो गए भाई। ये अब गिरा ना देना, जेब में डाल लो, इधर 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 तो मैं तुम्हें डाल दू, सही तरह इधर दो। कहाँ जेब तुम्हारी? अब भाई ना निकालना, चलो एक दो नंबर सीट है, लाहौर जाना है यार। ना कर बॉस, मैं ना कर। यतीन ये है, इनको बना लो। ये जी तालाब शहन और सिकंदर यार बहुत एक्साइटेड हैं, बस देख के कहते हैं हमने बस में सफर करना है। ये मूनवेज फैसल मोबर वालों की, ये आप देख सकते हैं, ये 9:15 का टाइम है और तकरीबन टाइम होने वाला है। और नूर भाई गए हैं वाशरूम, जैसे वो आएंगे तो मेरे ख्याल में गाड़ी चल पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं लाहौर के पास बहुत प्यारी बसें हैं, नई बसें आप देख सकते हैं। और तालाब शहन और सिकंदर जो है ना वो बहुत खुश हैं, वो कह रहे हैं कि जल्दी से जो है ना हमें भी बस का सफ़र करवाएं। तो इनको इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है बस पर और ट्रेन पर सफ़र करवाना है मैंने। पार्टी होगी भाई, जा रहे गाड़ी निकल पड़ी है जी 9:15 पूरे टाइम पे, और पीछे वाला टाइम आ रहा है। अल्लाह हाफिज़ जी। अल्हम्दुलिल्लाह नूर भाई को हमने गाड़ी पे बिठा दिया है और गाड़ी रवाना हो चुकी है, अल्लाह ने हमको खैर खैरियत से पहुंचाए लाहौर। तो बाकी ये सिकंदर आजाद और पीछे तालाब हुसैन बैठे हैं जी, अभी प्रोग्राम बन रहा है कोई पार्टी शार्टी करने का। सबसे पहले जो है वो जो है मेरा यार सिकंदर ही आज जो है वो आपको गाना सुनाएगा, उसके बाद भी पार्टी करेंगे। चलो भाई सिकंदर यार गाना तो सुनाओ, हाय हाय सुनाओ ना, बस यही तो तुम्हारी बात है, शर्मा गया। गाना गा रहा था आए हाय आए हाय आए हाय ओए होए बदा बदी बदा बदी बदा बदी बदा बदी, ये वाला गाना गा रहा था अभी। नहीं भाई तुमसे सुनना है, आपका सुनाओ तो फिर है, फिर अब क्या खिलाना क्या ये तो बताओ, फिर उस तरफ गाड़ी मोड़ू क्या चीज बताओ ना, फिर उधर गाड़ी मोड़े फटाफट बताओ।
चिन्ह बेकरी पे क्या लेना है? क्या बताओ ना, क्या लेना है? 80 रुपीस की। तो वो और बेकरी से नहीं मिलती? और यार नहीं, बस मैं ये चाह रहा हूँ कि ब्लॉक एंड करे, ब्लॉक खत्म करो, घर को जाए। वो ना एक बात आपको बताऊं मजे की, ये ना अभी ना मोर की बेटी को अम्मी ने कहा जी 2000 रुपये, इसको 2000 पहली दफा ही हमारे घर को दे दिया। तो नूर भाई ने अब जाते जाते ना 1000 तारम सैन को और 1000 रुपया जो है ना सिकंदर याद को दे दिया। तो मैंने इनको फिर लालच दी, मैंने कहा ये जो है ना पैसे मैंने खा लेने हैं। मैंने इन्हें कहा भी मैं आपको कुछ चीज़ ले देता हूँ, ये आप पैसे मुझे दे दो। तो अब मैंने ना इनसे कहानी करके इनसे पैसे 1000 वापस ले लिए। अब मैं इनको ना लेके जाऊँगा चिन बैकर पे, वहाँ पे जो चीज़ कहेंगे इनको मैं ले दूँगा और खुद मैं वहाँ से पीऊँगा सोडा, सोडा वाटर पीऊँगा और फिर घरों को जाऊँगा। ये जी तालब से आने काम दिखा दिया, तालब से आने गाड़ी के अंदर ठुस कर दिया। ये सिकंदर याद कह रहा है वीडियो बैन हो जाएगी, आप ना बताओ। ये सिकंदर में या तालब से दोनों में से एक ने ये काम किया, फिर हमने मजबूरन एसी बंद करके शीशे खोल लिए और गर्मी से जान जा रही है और बदबू इतनी आ रही है। पता नहीं तालब से आने काम दिखाया, पता नहीं सिकंदर ने दिखाया, सिकंदर कह रहा तालब से आने की है, तालब से आने कह रहा सिकंदर ने किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो बहुत से मैंने शीशे बोरी नीचे किए, एसी बंद किया है, अब ये बात मान नहीं रहे। सिकंदर किसने किया है? तालब ने। नहीं एसी को छोड़ो, ये बताओ किसने किया है? तालब ने। तालब आप बताओ। अरे ये दोनों चीटर हैं, चीटर हैं, चीटर हैं, इन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादा की है। अब मैंने शीशे खोले, इनको हवा आई है, मुझे सांस आया। वो तालब सर आगे से ये काम नहीं करना हमने, ठीक है? ये कर रहा है। चलो जी ठीक है, अभी जा रहे हैं हम चिन बेकर्स पे। इधर आओ, हम आ चुके हैं जी चिन बेकर्स, यहाँ पर इनको मैं रिश्वत दूंगा दोनों को और फिर हम जाएंगे। चलो चलो अंदर, चलो उधर उधर, इधर 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 से अंदर, वो जहाँ से बाबा जी बैठे हैं। चलो ये इनको मैं लालच दे रहा हूँ, ये जो अपना पागल हो रहे हैं, ये ज्यादा ज्यादा वाले पैसों वाली चीजें ले रहे हैं। मैंने इनको लेके देने 100-150 के अंदर। अब देखो क्या करते हैं। तालाब से उधर क्या हुआ है? ओए आराम से चलो, गाड़ी की तरफ, गाड़ी की तरफ। इनको ना मैंने 140-140 रुपए में दोनों को मना लिया, मतलब 280 में। और अब हम जा रहे हैं, पकौड़ा ले लिया, दूध थोड़ा बनाएंगे, अभी हम जा रहे हैं घर। चलिए बैक अलविदा। ये जी हमने लेमन सोडा नहीं पकोला लिया है आज। कराची हम जब जाते हैं तो वहाँ पर हम पीते हैं ना दूध सोडा, तो वो पकोला हम डाल कर देते हैं बोतल ग्रीन कलर की। तो अभी मैंने वो ले ली है, आज घर जाएंगे, ये भी अपना तजर्बा करना है दूध सोडा जो है ना वो पकोला का पीना है। तो अभी व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अब मेरे ख्याल है कि हमें इजाज़त लेनी चाहिए। कैसे सिकंदर भाई, इजाज़त लें अभी? ठीक है जी, सिकंदर भाई ने कहा जी आप इजाज़त ले लें। अपने व्यूवर्स को कहें कि लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें। और वॉच टाइम मेरा थोड़ा सा रहता है, सब दोस्त जो है वीडियो देखकर मेरा वॉच टाइम पूरा करें, तो इंशाल्लाह जो है आगे आपको इस तरह के चटपटे जो हैं वो व्लॉग में देखने को मिलते रहेंगे। अभी हम इजाज़त चाहेंगे और अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखना, तब तक दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।